अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं शाहिद इकबाल रेहान, एक नए वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। और व्यूवर्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं अबाउट HP क्रोमबुक 13 के बारे में। और ये एक लैपटॉप है जो कि इंट्रोड्यूस करवाया गया है मार्केट में HP की जानब से, और ये एक ज़बरदस्त है। मेरा ओपिनियन ये है कि बहुत ही ज़बरदस्त है। अगर आप स्टूडेंट हैं और आप या ऑफिस वर्क करते हैं तो आपको ज़रूर ये परचेज़ करना चाहिए। इसकी प्राइस है सिर्फ 50,000 रुपये पाकिस्तानी से लेकर 54,000 रुपये, और 499 डॉलर्स में ये आपको मिल सकता है। और इसकी क्या क्वालिफिकेशन है और क्या क्वालिटीज़ हैं और क्या इसकी स्पेसिफिकेशन है, और इनके बारे में अभी इस वीडियो में बात करते हैं। तो व्यूअर, सबसे पहले हम स्टाइल की बात करते हैं। ज़बरदस्त स्टाइल के साथ 13 इंचेस का ये लैपटॉप है, और इसके साथ ही इसका जो कलर है वो भी बहुत ज़बरदस्त है। और इसके साथ साथ हम अगर इसके बात करते हैं कीबोर्ड की, तो वो बहुत ही ब्यूटीफुल है इसके हवाले से। ये तो थी डिस्प्ले की बात, और अब हम बात करते हैं इसके दीगर फीचर्स के बारे में, तो वो भी कितने ज़बरदस्त हैं। तो व्यूवर्स, इसकी जो अगर बैटरी की बात की जाए तो वो तकरीबन 12 घंटे, 11 घंटे या तकरीबन 12 घंटे इसकी बैटरी लाइफ है। और ये एक बहुत ही ज़बरदस्त बैटरी लाइफ है किसी भी लैपटॉप के हवाले से। अमूमन इतनी होती नहीं, अगर इतनी वाकई ही इस लैपटॉप की बैटरी टाइमिंग है तो ये बहुत ही अमेजिंग है। और इसके अलावा अगर हम बात करते हैं इसके कीबोर्ड की, तो वो ब्लैक कलर का इसमें कीबोर्ड यूज़ किया गया है, और बहुत ही ज़बरदस्त अमेजिंग बटन्स हैं जिसे, और सिल्वर की बॉडी के साथ इसको बनाया गया है। इसके अलावा 3 टाइप्स की इसमें USB फिक्स्ड हैं, मतलब है कि आप किसी भी तरह की USB इसमें डायरेक्टली अटैच कर सकते हैं और इसे कनेक्ट कर सकते हैं किसी भी नेटवर्क के साथ, या किसी भी मोबाइल फ़ोन या डिवाइस, अदर किसी डिवाइस के साथ आप इसे अटैच करना चाहते हैं तो जस्ट आपको इसकी USB साथ अटैच करना होगा, ना कि कोई किसी किस्म का और अडाप्टर वगैरह यूज़ करना होगा व्यूअर्स। और इसके अलावा ये फुल HD डिस्प्ले है इसका, और अगर आप इसको फ़ोन के साथ या टैबलेट के साथ या किसी और वायर एक्सेस करना चाहते हैं तो भी इसमें ड्राइवर्स वगैरह जो हैं वो ऑलरेडी इंस्टॉल्ड हैं, और USB का ऑप्शन तो मैंने पहले बताया कि वो भी अवेलेबल है, तो किसी भी तरह की USB इसमें लगा सकते हैं और किसी भी तरह के नए ड्राइवर या सॉफ्टवेयर करने की ज़रूरत नहीं। जस्ट आप किसी इसके साथ अटैच करें और ये काम करना शुरू कर देगा। और व्यूवर्स, इसके साथ साथ अगर हम बात करते हैं इसकी परफॉर्मेंस, इसकी जो कनेक्टिविटी है, सिक्योरिटी या ऐप्स इसमें किस तरह की यूज़ होंगी, तो उनके बारे में बात करते हैं व्यूवर्स। इसमें अगर इसकी परफॉर्मेंस के बारे में बात करें तो बहुत ही ज़बरदस्त है। ये 6th जनरेशन इसमें इस्तेमाल की गई है, इंटेल का जो इसमें प्रोसेसर इस्तेमाल किया गया, और इसके साथ ही ये बहुत ही ज़बरदस्त इस हवाले से भी है कि इसमें 16 GB की मेमोरी जो है वो रैम इस्तेमाल की गई है। और इसके बाद हम इसकी कॉन्फ़िगरेशन के बारे में बात करते हैं, तो वो इस हवाले से बेस्ट है कि इसके जो प्रोसेसर है वो बहुत ज़बरदस्त है, मेमोरी स्टोरेज के हवाले से बहुत ज़बरदस्त है, और इसका जो है दीगर फीचर वो बहुत ज़बरदस्त है। इसमें ऐसे ऐसे वो इस्तेमाल किए गए हैं राउटर्स वगैरह, वाईफाई वगैरह के लिए, कि आप इसको इजीली कनेक्ट कर सकते हैं किसी भी चीज़ के साथ, और रिसीवर्स वगैरह, और इसकी जो कनेक्टिविटी के हवाले से अगर हम कहें तो बहुत ही सिक्योर है। और इसका जो रिसीवर वगैरह हैं वाईफाई के, हॉटस्पॉट के, वो बहुत ज़बरदस्त इस्तेमाल किए गए हैं। और सिक्योरिटी 3 लेयर्स सिक्योरिटी की इस्तेमाल की गई है, मतलब इस सिक्योरिटी के हवाले से बहुत ही ज़बरदस्त है अगर आप किसी भी चीज़ को सिक्योरली इसमें सेव करना चाहते हैं। और ऐप्स के हवाले से अगर हम बात करें तो आप इसमें माइक्रोसॉफ्ट के ऐप्स के अलावा अलावा जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम इस्तेमाल करते हैं, और इसके साथ ही आप इसमें फ़ोन, टैबलेट्स और गूगल ऐप्स वगैरह की, जो भी मोबाइल फ़ोन्स की भी जो ऐप्स हैं स्मार्टफोन वगैरह की, वो भी आप इसमें इजीली यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा आपको किसी और मतलब है कि कुछ और बिल्ड करने की ज़रूरत नहीं है। और इसके अलावा इसके जो दीगर ऑप्शंस वगैरह हैं वो भी काफ़ी ज़बरदस्त हैं। ये तो थे जो मेन ऑप्शन ऑप्शन थे जो कि इम्पोर्टेंट ऑप्शन थे, मैंने आपको उनके बारे में बताया। और प्राइस आखिर में एक बार फिर मैं आपको बताता चलूँ कि 50,000 रुपये से लेकर 54,000 रुपये पाकिस्तानी में आपको मिल सकता है। और इसके अलावा अगर आप स्टूडेंट हैं, ऑफिस वर्क है, तो इस आपके लिए ये ज़बरदस्त HP का क्रोमबुक 13 है, तो आप इसको परचेज़ करने के बारे में सोच सकते हैं। और आखिर में बस इतना कहूँगा व्यूअर्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो
आप इसे लाइक करें, शेयर करें, कुछ पूछना हो तो कमेंट करें, और अगर आपको इस तरह की मज़ीद वीडियोस में इंटरेस्ट है तो आप ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं इस तरह की और बहुत सारी इंटरेस्टिंग वीडियोस लेकर आपके पास आता रहता हूँ। और जब भी कोई किसी किस्म का लैपटॉप मोबाइल वगैरह की रिलीज़ होती है तो मैं उसके बारे में इंफॉर्मेशनल अपना ओपिनियन ज़रूर पेश करता हूँ, आपकी राय लेता हूँ, और फिर आपकी राय लेने के बाद भी वीडियोस बनाता हूँ ताकि उन चीज़ों को क्लियर किया जाए। अगर आप टेक्नोलॉजी में इंटरेस्टेड हैं और इस चीज़ के बारे में बात करना चाहते हैं तो आप ज़रूर ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और मुझे दीजिए इजाज़त अगली वीडियो तक के लिए। अल्लाह हाफिज़।